नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद अगले साल के लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, साथ ही उसकी नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी। वो उन राज्यों पर तो फोकस कर ही रही है जहां पहले पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, साथ ही अलग हो गए पुराने साथियों पर भी उसकी नजरें हैं। क्या बीजेपी को चुनाव से पहले पुरानी सारी यादें अब जो है वो ताजा हो रही हैं? हर लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बातें होने लगी हैं। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने की योजना बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। नए संसद के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस सहित 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। इसके जरिए विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की थी। एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना खुनवा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है, मगर चुनाव से पहले पुराने साथी और बीजेपी को दोनों की तरफ से ही फिर साथ आने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को जहां सत्ता में बने रहने के पुराने साथियों की जरूरत लग रही है, वहीं एनडीए से अलग होने वाली पार्टियों को भी बीजेपी जरूरत महसूस कर रही है, क्योंकि वे अपने अपने राज्यों में दूसरी पार्टियों को चुनौती दे सकती है। आप सभी को बताते चले कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, हिमाचल की सभी 4 सीटें और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसने राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती और एक पर बीजेपी की ही सहयोगी को जीत मिली। त्रिपुरा की 2 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें बीजेपी ने जीती। इसके अलावा बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें और इसी तरीके से काफी जगह पर जो है हमें उसका निशाना देखने को मिला। बहरहाल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है इस पूरे मामले में अपनी कथनी और करनी में कितना अंतर लेके आएगी। फिलहाल अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।